में बच्चों के लिए खास रूप से कानूनी प्रावधान किए गए हैं, और ऐसे में हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल साहब हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ आज बातें उठकर आईं और क्या कुछ किया जाना चाहिए बच्चों के लिए? देखो, बच्चों के लिए बहुत से काम हुए हैं झारखंड में, एंड बहुत से बाकी भी है। जितना करे इतना कम होता है बच्चों के लिए। जैसे हम हमारे घर के बच्चों के लिए करते हैं, वैसे ही हमें पूरे झारखंड के बच्चों के लिए करने की आवश्यकता है। कई बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बन जाते हैं। ऑब्जर्वेशन होम, चिल्ड्रन होम वगैरह में बच्चे रहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन होम, चिल्ड्रन होम की परिस्थिति में काफ़ी सुधार आया है। बच्चों के लिए गेम्स, मैगजीन्स, एंड हम लोग वहाँ पिक्चर भी बताते हैं, एंड वहाँ हमने वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टार्ट की है, एंड कंप्यूटर की ट्रेनिंग, सोहराई पेंटिंग की ट्रेनिंग। ये मैं देखकर बैठा हूँ, इसलिए बोलता हूँ। अलग अलग एक्सपर्ट को हम लोग बुलाते हैं। कंप्यूटर की ट्रेनिंग अभी चल रही है, वैसे मैंने प्रिंटिंग वाली प्राइमरी एंड एडवांस ट्रेनिंग भी दिया है, एंड ये बच्चों को प्रिंटिंग प्रेस वालों ने जॉब भी दिए हुए हैं, अप्रेंटिसशिप एंड रिहैबिलिटेशन का भी माहौल बना हुआ है। बट तो भी कई बच्चियाँ जो दिल्ली वगैरह स्टेट से छुड़ा कर लाते हैं, 300 300 400 400 की संख्या होती है। अब ये बच्चियों को रखो कहाँ पर? एक दो घंटे में पुलिस स्टेशन में रखो तो चाय बिस्किट ये सब चाहिए। पुलिस स्टेशनों में जगह होती नहीं है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन होम, चिल्ड्रन होम, स्पेशली फॉर फीमेल। तो हमारे साथ आज चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। हम लोग देवघर में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्पेशली मेंट फॉर फीमेल, ऐसा ही रांची में शुरू होने को जा रहा है, एंड प्रयास ऐसे रहेंगे। रिहैबिलिटेशन मीन्स अपने माँ बाप के पास बच्चे जाए। बट समस्या ये है झारखंड की, गरीबी के चलते, ओनली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, माँ बाप ही रखने के लिए कई रेडी नहीं है। सरकार का प्रयास बेहद होगा या कानून, जो कानून का प्रावधान बेहद होगा, कौन सा आवश्यक है सर? देखो, कानून एंड सरकार दोनों की जरूरत पड़ती है। कानून अकेले से कुछ नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन लॉ एंड द जस्टिस। लॉ बनाने से सभी लोग सुधर जाए तो बहुत अच्छा भाई, बट सरकार की जरूरत है, सरकार के डिपार्टमेंट्स की जरूरत है, सरकार के बजट की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है। यहाँ पुलिस बोली नहीं जाती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट रहते हैं। ये सभी के प्रयास से काम होता है। लॉ में कई सारे प्रावधान है, एडॉप्शन का भी है, देखो रिहैबिलिटेशन का है, एंड प्राइवेट फैमिलीज को बच्चे दे देने पड़ते हैं। प्राइवेट फैमिली को एक एक महीने के पैसे मिलते हैं, बट ये प्राइवेट फैमिली मिलते नहीं है। बोलना बड़ा इजी है, प्राइवेट फैमिली हमें ढूंढना पड़ता है। बच्चों की केयर हमें वहाँ जाकर चेक करनी पड़ती है कि रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये सब प्रयास चल रहे हैं, बट इन शॉर्ट द आंसर इज लॉ की भी ज़रूरत है एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ की भी ज़रूरत है। ये थे DN पटेल, जो बता रहे थे कि कानून क्या ही नहीं बल्कि प्रशासन की सख्त आवश्यकता है, जो सुधारवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सामने आए। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अशोक कुमार, APN रांची।